अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिन में उसके बाद काफी थक चुके थे तो सो गए, अभी उठे हैं तो सोचा कि अभी नया व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम अनबॉक्सिंग करते हैं अपनी वॉच की। ये हमने एप्पल वॉच ली है, एप्पल वॉच थोड़ी गरीबों वाली है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे एप्पल वाली पैकिंग नहीं है, इसमें प्लास्टिक रैपर दिया हुआ है, और ये भी देख सकते हैं एप्पल वाले काम नहीं है लोगों के। चलो कर लेते हैं, कोई कटर की ज़रूरत नहीं है, पुल टैप्स हैं इस पर। ये देखें, नाखून से ऐसे करो तो पुल टैप ओपन हो जाता है। और थोड़ा ज़ोर से करना पड़ता है, ये देखें, ये देखें, सिर्फ पुल किया और ये ओपन। और ये चीज़ देखनी है ना, एप्पल वाला काम नहीं होता, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा खुद ही। दिस इज, ये हमारी वॉच, डिज़ाइनड फॉर बिल्डिंग एंड एक्सलेंट लाइफ स्टाइल। और इसे ओपन करते हैं तो इसमें हमें इसके रबर बैंड मिल जाता है, नीचे इसका ये चार्जर मिल जाता है यूएसबी टाइप ए से, इसका अपना चार्जर। उसके बाद हम देख लेते वॉच, वॉच की कुछ पैकिंग इस तरह की है। और इसे अनरैप कर लेते हैं और रैप हो चुकी है। और स्क्रीन देख सकते हैं, फुल एमोलेड डिस्प्ले है लेकिन थोड़ी छोटी स्क्रीन है। और उसके बाद ये पेपर वर्क है, दुनिया में कोई भी इंसान इसे देखता भी नहीं है। एंड दिस इज प्रीटी मच फॉर द बॉक्स। रबर बैंड्स हमें इसकी चेन परचेज करनी पड़ेगी अलग से, लेकिन वॉच अच्छी है। अब इसे चार्ज करके चेक करते हैं, इसे फिलहाल ऐसे चेक कर लेते हैं। आ जाओ आप यहाँ से। ये मैंने इसके लिए अपना ओप्पो का अडैप्टर यूज़ किया है और इसे इस साइड पे लगा देते हैं इस तरह से। इसे यहाँ से प्लग इन करते हैं, कोई इंडिकेटर वगैरह आ तो नहीं रहा पता नहीं। और ये स्क्रीन आ चुकी है, इसके बैक पे इस तरह से अटैच करना होता है तो इसका चार्जर कनेक्ट हो जाता है और ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसे थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे तो लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद इसे यूज़ करते हैं, चेक करते हैं कैसी है। प्रीटी मच इसे वापस से यहाँ, इसे यहाँ और इसे यहाँ पे, 100% ओरिजिनल एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और इसे रोटी पका रहा था मैं बाकी अभी थोड़ी देर में चार्ज होती है तो चेक करते हैं। हाँ तो गाइस, इसे हम चार्ज कर चुके हैं। जैसे इसे ऑन करते हैं तो इस तरह का डिस्प्ले आता है और उसके बाद ये कुछ मेन्यू वगैरह आ जाता है, चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैसेज, फ़ोन कॉल, कैमरा, SP02 और बाकी सारे सेंसर इसमें दिए गए हैं। ये किस हद तक एग्जैक्ट है मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेंगे। दिस इज़ कैलकुलेटर। दूसरे, इसकी बैटरी टाइमिंग, परफॉर्मेंस, बाकी सारा कुछ तो मैं आप लोगों को बाद में यूज़ करने के बाद बताऊंगा। इसके फीचर भी आस्ते आस्ते जैसे मुझे पता लगते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। और बाकी अभी के लिए चलता है टेक्निकल खुद्दू जी। हे गाइस, अभी वॉच वगैरह तो टेस्ट आउट हो चुकी है, अभी लैपटॉप ऑन करते हैं और GTA 5 खेलते हैं। अभी हमें यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है तो टैक्सी बुलानी पड़ेगी, कॉल करते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट है, इनमें से ये डाउनटाउन कैब। और अभी हमारा ड्राइवर आ रहा है और आप लोगों को अभी मैं अपना बेडरूम चेक करवाता हूँ। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे है हमारा बेडरूम। यहाँ पे सो दिस इज माई बेडरूम एंड दिस इज मिरर। और यहाँ पे मेरा चेंजिंग रूम भी है, वो भी चेक करवाता हूँ, बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये चेक करें, ये मेरा चेंजिंग रूम है, यहाँ से कुछ चेंज वगैरह कर लेते हैं।
कोई आउटफिट चेक करवाएं, ये अच्छी है। यहाँ एक हाथ से तो मुझसे खेला नहीं जा रहा वो कभी। माइकल वाला कार और साथ उसकी गाड़ियां वगैरह सब चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा किसी दिन, लाइव आके या फिर वीडियो निकालूंगा पक्का। अभी फिलहाल हमारे डेली व्लॉग आ रहे हैं, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारा व्लॉग अपलोड हो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, आप लोग क्लिक करके उसी टाइम देख लो। चाहे आप ड्रामा देख रहे हो, चाहे आप कोई सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग क्लिक करके देख लें। इसे कहते हैं लव यू। बाकी उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।